डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज चलिए बैंक स्पेशल जो है, केवल जो क्वेश्चंस मैं यहाँ रखता हूँ, केवल बैंक में जिस तरह के सवाल आते हैं उस तरह के सवालों को लेके आज है टाइम एंड वर्क के डीआई पे करेंगे। ये एकदम नया टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है और इस तरह के सवाल केवल एक ही बार देखे गए हैं, लेकिन आशा करता हूं कि अब आने वाले दिनों में इस तरह के सवाल काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैंने इसके लिए बोला हुआ है कठिनतम सवाल सरलतम उपाय, क्योंकि एज ए टीचर आपके पास जो वक्त एग्जाम में रहता है मिलता है आपको, तो मेरे को उन विधियों को लेकर चर्चा करते हैं, उनसे सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं, जो जिस विधि के सहारे आप बड़े आसानी के साथ जब एग्जाम देने जाते हैं बैंक के, आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं, तेजी के साथ कर सकते हैं। चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम सवाल को देखते हैं और कैसे इसे सरलतम रूप में न्यूनतम समय में किया जा सकता है। देखिए ये हिंदी में ही है क्योंकि मैं जानता हूं कि इंग्लिश का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सवाल इतने बड़े होते हैं मेरे पास एक ही चॉइस होता है, या तो मैं सवाल को इंग्लिश में दूं या मैं सवाल को हिंदी में दूं। तो चलिए आज जो मैंने सवाल को दिया हुआ है वो सवाल हिंदी में लिखा हुआ है, तो चलिए हम जानने की शुरुआत करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर करूंगा कि जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं दबाया है, वो जरूर करें, क्योंकि तब आपसे मेरा नाता इस YouTube में बना रहेगा। ओके देन, चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं, और सवाल शुरू करने के पहले मैं ये बोलूंगा कि आपके दो प्रसिद्ध चैनल में भी इसी सवाल को हल किया गया था, और उन्होंने जिस तरह से हल किया था वो मेरे को नागवार गुजरा, इसलिए कि एग्जाम हॉल में जब हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो एक तो वो फटाफट होना चाहिए, दूसरा तरीका इतना सहज और सरल होना चाहिए कि आप उसे परसीव कर सकते हैं और वक्त पे करके निकल जाए। चलिए सवाल को पहले पढ़ते हैं। भुवन एवं कंचन किसी काम को शुरू करते हैं, और देखिए यहां पे पहले दिया हुआ है, एक टेबल दिया गया है, देखिए लिखा क्या है, व्यक्ति भुवन है, कितने दिन में काम किया, तो 6 दिन तक काम किया, और कितना प्रतिशत काम किया, तो बोला गया है 15%। उसी तरह लखा 8 दिन काम किया और टोटल काम का कितना प्रतिशत किया, 25%। भूरा जो है 5 दिन तक काम करता है और किसी उस काम का 20% करने की क्षमता रखता है। कंचन किसी काम को 3 दिन में करता है, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए, और वो 15% काम करता है। टीपू 4 दिन काम करता है और वो 25% काम करता है। ये एक टेबल दिया गया है और यहाँ पे कौन क्या काम करता है ये सारे सवाल में दिए गए हैं और ये इसके ऑप्शंस हैं। चलिए पढ़ते हैं। भुवन एवं कंचन किसी काम को शुरू करते हैं और 5 दिन बाद वो चले जाते हैं और उनके स्थान पर टीपू आ जाता है। देखिए यहाँ पे भुवन का नाम दिया हुआ है, वो 6 दिन में कितना करता है, कंचन कितना करता है, और उसके बाद टीपू की बात बोला गया है। टेबल के अनुसार उसे जितना प्रतिशत काम करना था, किसको, टीपू को, टीपू को कितना करना था, 25% काम, उतना वो करता है, वो भी चला जाता है। शेष बचे काम को तरुण 7.5 दिनों में समाप्त करता है। मजे की बात है, देखिए तरुण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ भुवन, लखा, भूड़ा, कंचन और टीपू के बारे में बताया गया है, और बोलता है कि जो काम बच गया है उसे तरुण 7.5 दिनों में समाप्त करता है। तरुण को अगर अकेले संपूर्ण काम करना होगा तो वो कितना दिन में कर पाएगा। तो सवाल की लेवल जो है काफी कठिन होता है इस तरह के सवाल, जो आगे इसका भी मतलब और दो सवाल हम करेंगे तब समझ पाएंगे कि ये थोड़ा सा तो कठिन है। अब देखिए हर जगह इस सवाल को करने के लिए लस लेके कितना यूनिट काम किया, इस
और जो था दो जो व्यक्ति थे काफी प्रसिद्ध हैं यूट्यूब में, उन्होंने करके दिखाया था। लेकिन हम इस लसा के साथ साथ एक परसेप्शन पे जाते हैं, काम क्या है इसे हम सोचते हैं, और काम है हमने सोच लिया ईंटा ढोने का, ब्रिक्स को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखने का काम है। अब देखिए कितना काम है, हम लसा कैसे निकालते हैं, यहां से ही दूसरों से मेरी गाड़ी अलग हो जाती है। देखो यहां पे लसा निकालना है तो 100% काम है, 15, 25, 40, 20, 60, 60 और 15, 75, 75 और 25, 100%। ये 100% मैंने जानबूझ के 100% लिखा। अब देखिए अब हमें निकालना है ये 100% है। देखो 100 के अंदर क्या नहीं है, 100 के अंदर क्या नहीं है, 100 के अंदर 3 नहीं होता है, लेकिन यहां 3 दिन है मेरे को। इसको और इसका कितना दिन काम किया और कितना प्रतिशत काम किया, ये दोनों को मिला के लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने 100 पहले ले लिया, 100 के अंदर 3 नहीं होता ये, लेकिन यहां 3 है तो इसलिए 3 से गुणा किया। फिर देखो तो 3 से अगर किया है तो 300 हो जाता है, अगर 100 गुना 3 6 चला जाता है, मतलब ये जा सकता है 8। अब देखो 100 के अंदर जो है, या आप 3 और 100 को लेते हैं तो 300 में 8 नहीं जाता है, तो नेचुरली हमें जो यहां पे 8 था उस 8 को यहां गुणा करते हैं तो ये 2400 हो जाता है। मतलब लसा हम जैसे निकालते हैं ये केवल कंसेप्चुअल करते हुए ले जाते हैं, हम ज्यादा लिखने की वक्त नहीं करते हैं। तो हमारे पास 2400 का ब्रिक्स का लसा निकल जाता है 2400, और हम कल्पना करते हैं, हम सोच लेते हैं कि 2400 ईंटा उठाने का काम है। अब देखिए हम जब सवाल को करते हैं, एक चार्ट हम बताते हैं फटाफट, ऐसा नहीं कि हमने खाली हम चार्ट बनाने वक्त क्या ये एक लाइन खींचा, ये दो, ये तीन और ये चार लाइन, चार लाइन खींच के फटाफट इधर करके हम बना देते हैं इसे। अब जरूर जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो भुवन तो नहीं लिखेंगे, भू लिख के छोड़ देंगे, ठीक है ना, या भू व लिखेंगे, क्या कि भूड़ा भी है भुवन भी है। अब जरा इस चार्ट को भरते कैसे, जरा देखिए 6 दिन लिखा वो तो पहले ही है, 15% तो स्क्रीन में दिख ही रहा है, और अब है कि 15% कितना ईंटा, 2400 ईंटा अगर 100% है, 15% मतलब 2400 का 10% 240, और 240 का आधा होता है 5% 120, मतलब 15% मतलब 10% प्लस 5% तो बराबर 360 हो गया। अब 360 ईंटा वो 6 दिन में उठाता है जो पहले ही हमें चार्ट में दिया गया था, तो भुवन जो है हर दिन 60 ईंटा ढोता है। भुवन की काम कार्य क्षमता है क्या है, 60 ईंटा उठाने का। उसी तरह लखा का करते हैं, लखा 8 दिन में करता है 25%, 25% मतलब होता है 2400 का 1/4 600, और 8 दिन में करता है तो मतलब 75 ईंटा प्रतिदिन उठाता है। उसी तरह भूड़ा 5 दिन दिया हुआ है, देखें 20% दिया हुआ है, और 5 दिन में वो ईंटा उठाएगा 2400 का 20% क्या होगा 480, 10% 240 प्लस 240 बराबर 480। अब 480 ईंटा को वो 5 दिन में उठाता है, तो प्रतिदिन कितना ईंटा उठाएगा, 480 को 5 से भागा दे दिया 96। इसी तरह और कंचन का भी निकल गया 120, टीपू का भी निकल गया 150। देखिए इस चार्ट को बनाना है, ये चार्ट एक ही बार बनाना, इससे 3 से 4 सवाल हो जाते हैं, तो एक बार केवल चार्ट बनाना है, इसके तीनों सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चार्ट ही हमारी जान होती है, बड़े फटाफट हो जाता है, किसी तरह नहीं है। अब देखिए हम सवाल पे चलते हैं, कुल काम कितना है 2400 ईंटा उठाने का। भुवन और कंचन 5 दिन तक काम करते हैं। अब भैया कंचन कितना ईंटा उठाता है 120, भुवन कितना उठाता है 60, 120 और 60 जोड़ दिए तो 180 ईंटा कितना दिन तक उठाता है 5 दिन तक, तो 180 से 5 दिया तो 900 ईंटा। तो हमें पता चल गया भुवन और कंचन मिला के 900 ईंटा उठाया, और प्रोजेक्ट कितना ईंटा का था 2400 ईंटा उठाने का, तो बच कितना गया 1500 ईंटा बच गया, ठीक है। अब 1500 ईंटा में टीपू का बोलता है टेबल के अनुसार जितना प्रतिशत काम करना था वो करता है, वो भी चला जाता है, तो टीपू आया था।
टीपू टेबल के अनुसार 25% काम करना था और टीपू 25% मतलब 600 ईंटा उठाना था, तो टीपू ने भी 600 ईंटा उठा के ईंटा ढो लिया, तो 1500 ईंटा बचा हुआ था, उसमें से टीपू ने 600 ईंटा उठा लिया तो शेष बचा 900 ईंटा। अब 900 ईंटा को तरुण 7.5 दिन में ढोता है, तो 900 को हमने 7.5 से भागा दे दिया, क्या कि शेष यही ईंटा बचा था जिसको तरुण ने 7.5 दिनों में उठाया था, तो 900 को अगर 7.5 से भागा दे देते हैं तो निकल जाता है कि तरुण 120 ईंटा प्रतिदिन ढोता था। अब पूछा था कि तरुण को अकेले संपूर्ण काम करना हो तो तरुण 120 ईंटा डेली उठाता है और पूरा ईंटा कितना है 2400 है, तो 2400 को अगर हम 120 से भागा दे देते हैं तो फिर ये आता है 20 दिन, जो आपका आंसर हो जाता है। तो देखेंगे कि आप अगर किसी का आपने जो पहले मैंने बोला कि दो मतलब अत्यंत परिचित लोगों ने इस सवाल को किया था, तो सवाल को करने में उनको जब जैसे कंफ्यूजन या जितना ज्यादा लिखना पड़ा हुआ था, सिस्टम वही था, उन्होंने भी लॉसा मेथड सही किया था, उससे मेरे हिसाब से ये कहीं आसान है, बड़े आराम से किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट इसके ऊपर मैथ को करते हैं। अब देखिए देखिए चार्ट यही रहा लेकिन सवाल चेंज हो चुका है। तो देखिए आप ये पहले चार्ट था और उसके अनुसार हमने ये 2400 ब्रिक और ये चार्ट तो बना लिया था, तो हम इस पे कुछ भी नहीं करते हैं। अब हम सवाल को चलते हैं। टीपू के अस्वस्थता के कारण वहां वो काम पर नहीं आ सका और वो अपने इस दोस्त इस्माइल को भेज दिया जो 25 दिन में काम को कर सकता था। तो कहने का मतलब है इस्माइल 25 दिन में पूरे काम को करता है, तो इस्माइल को अगर पूरा काम क्या है 2400 ईंटा उठाना है और कितने दिन में करता है कंप्लीट 25 दिन में, तो मतलब 2400 को 25 से भागा देते हैं तो मतलब है कि 96 ईंटा इस्माइल एक दिन में उठा सकता है। अब बोलता है कि देखो इस्माइल ने उतना ही काम किया जितना टीपू को करना था। अब देखो इस्माइल ने उतना ही काम किया जितना टीपू को करना था। अब टीपू को कितना का काम करना था 25% ईंटा उठाना था, तो मतलब 600 ईंटा उठाना था और 600 ईंटा को उठाने के लिए इस्माइल को कितना लगेगा, हमें 96 से भागा देना होगा, तो 96 से जब 600 को हम भागा देते हैं तो हमारे पास फिगर आ जाता है 6.25। ये देखो इस्माइल को इसका मतलब है 6.25 दिन लगा। तो हमने क्या किया, इसको कैसे मिला हमें, हमने सिंपली जो है क्या करते हैं 96 ईंटा करके प्रतिदिन इस्माइल उठाता है और इस्माइल ने 600 ईंटा उठाया, तो 600 भागा 600 डिवीजन 96 करके हमें 6.25 मिला। इधर देखिए इस्माइल ने 600 ईंटा उठाया तो 2400 से अगर 600 ईंटा घटा दिया तो शेष कितना बचा 1800 ईंटा। अब क्या बोलता है, और वो चला गया, इस्माइल का काम खत्म है। इस्माइल के जाने के बाद कंचन आया और कंचन उतना ही दिन काम किया जितना इस्माइल ने काम किया था, तो इस्माइल ने कितना दिन काम किया था, चूंकि हमने पहले निकाल लिया है जो हमने 600 को 96 से भागा देके निकाला था। अब इस शर्त के अनुसार क्या हुआ, हमें पता चल गया कंचन भी 6.25 दिन 6.25 दिन काम करता है और कंचन चूंकि एक दिन में 120 ईंटा उठाता है तो हमने 6.25 इंटू 120 किया, मतलब 750 ईंटा कंचन उठाता है। अब हमारे सामने परिस्थिति एकदम स्पष्ट हो गया, 2400 ईंटा उठाना था, इस्माइल ने 600 ईंटा उठाया, इसके लिए उसे 6.25 दिन लगे, ईंटा बच गया 1800। फिर कंचन जितना दिन इस्माइल करता है उतना ही दिन वो करेगा, इसलिए 6.25 आया और चूंकि कंचन 120 ईटा हर दिन उठाता है तो 6.25 इंटू 120 किया तो 750। अब ईटा बच गया 1050। यहां तक हम पहुंच गए। अब कल
क्या बोलता है, कंचन के जाने के बाद हरिया काम को समाप्त किया और हरिया काम करने के मामले में लाखा से 300% ज्यादा कुशल है। अब लाखा से 300% ज्यादा कुशल है, ये ज्यादा है तो फिर क्या है, मतलब ये देखो 300% नहीं, ये कैलकुलेशन के लिए अब हमें 400 सोच लेना होगा, मतलब हरिया जितना काम करता है उतना प्लस 300%, तो मतलब अगर हम करते हैं तो ये 400% होता है। इस चीज को बराबर आप पकड़ लेंगे। अब जरा हमें क्या है, ये हरिया की जो कार्य क्षमता है, ये हरिया की कार्य क्षमता जो है ये आपके किसके, लखा के कार्य क्षमता के 4 गुना है। तो लखा का अगर 75 है, लखा का प्रतिदिन 75 है, तो हरिया का क्या होगा, 75 × 4 बराबर होगा 300 ईटा प्रतिदिन। तो हमें यह भी मिल गया हरिया कितना दिन काम करता है, तो हरिया 300 ईटा हर दिन उठाता है और बचा हुआ ईटा कितना था, 1050 था। तो 1050 को अगर हम 300 से भागा देते हैं तो हमें 3.5 दिन निकलता है। तो 3.5 दिन हरिया ने काम किया। अब इस प्रोजेक्ट के लिए कितना दिन काम हुआ, देखो इस्माइल ने 6.25 दिन काम किया, कंचन ने भी 6.25 दिन काम किया और बाद में हरिया जो है 3.5 दिन काम किया। तो 6.25 + 6.25 तो हो गया 12.5 + 3.5 बराबर 16 डेज या 16 दिन हो गया। और ये 16 दिन यहां पे है तबने हमने यहां पे टिक मारा। तो देखिए ये जो सवाल है, बोलने में तो बड़ा ज्यादा लगता है लेकिन अगर सोच के आप सुन के करना शुरू करते हैं तो देखते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स हो चुकी हो जाते हैं। तो जो आपके आप भी जानते हैं कि DI में या बैंक के मैथ की स्पेशलिटी क्या होता है, टेक्स्ट मैटर बड़ा होता है, कैरेक्टर्स ज्यादा होता है जो SSC वगैरह एग्जाम में नहीं होते हैं और इसे हमें संभालना पड़ता है। तो ये अगर आप साधारण तरीके से करने जाएंगे तो ये आपका तो होने से रहा, वो भी अगर 3 सवाल अगर देखते हैं जो अभी मैंने करके दिखा रहा हूं तो 3 सवाल के लिए आपको मैक्सिमम 1.5 मिनट लगता है। तो अब मैं ये नहीं बोलता कि 1.5 मिनट के पहले ये हो जाएगा, लेकिन 1.5 मिनट से 2 मिनट के अंदर में जरूर हो जाएगा जिस तरह से हमने बताया है। और किसी भी विधि या किसी भी इसी चीज को अगर आप एफिशिएंसी मोड को लेके करना चाहते हैं तो उसमें कंफ्यूजन वाली बात इतनी आ जाती है कि ये उस वक्त तक नहीं होता है। आप इसके लिए कंपेयर करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, बैंक क्वांट्स की जो मेरी जो क्लास है, जो ऑनलाइन क्लास होता है, आप कहीं भी है किसी भी अवस्था में है, जैसे कहीं आप नौकरी करते हैं आपको वक्त नहीं मिलता है, या आप जहां पर हैं वहां पे उस तरह की बैंक को सीखने की समुचित क्लास नहीं है, मैं सबसे ये बोलता हूं कि इस भारतवर्ष का सबसे कम दाम की क्लास जो है वो है। लेकिन साथ साथ में मैं ये सबको सूचित करता हूं कि ये केवल 10 तारीख तक ये प्राइस रहेगा, 10 मई तक। प्लीज उसके बाद आप हमें रिक्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें चेंजेस हो रहा है। सबसे बड़ी बात है आप जिस दिन से आप ये करते हैं मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, आप कब तक रहेंगे, SBI के दोनों एग्जाम, जब एक तो एग्जाम हो गया उस साल में, अब आप इससे SBI के PO के एग्जाम को संभाल सकते हैं, IBPS के क्लर्क को एग्जाम को संभाल सकते हैं, IBPS के PO के एग्जाम को संभाल सकते हैं, RRB के क्लर्क और ऑफिसर जो है वो दोनों एग्जाम को संभाल सकते हैं। मतलब तब तक आप हमारे क्लास के अंदर में रहते हैं, या सीधे सपाट शब्दों में बोलूं तो दिसंबर तक रहते हैं। यस, इस क्वेश्चंस के लिए जैसे है हमारे यहाँ जो है ये जो रूपीज के अंदर में इसके मॉक टेस्ट के पेपर्स भी हैं और वीडियोस भी हैं, और साथ ही साथ मैं हूँ आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में किसी भी तरह के इसमें हेल्प करने के लिए। लेकिन ये प्राइस जो है केवल 10 मई तक है, उसके बाद इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने वाला है क्योंकि अब जो है ये पिछले साल का प्राइस है,
सबसे श्रेष्ठ प्राइस है, क्योंकि किसी हिंदुस्तान में आज कोई भी ऑनलाइन कोचिंग क्लास का 2000 रुपये चार्ज नहीं होते हैं, और उनका जो क्लास होता है केवल 3 महीने के लिए होता है। और देखिए, इसमें अगर करना है तो सिंपली व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप पेमेंट लिंक मंगा सकते हैं और पेमेंट करने के बाद शुरू होते हैं। लेकिन फिर से बात बता देता हूँ, ये प्राइस केवल 10 मई तक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। अब देखिए, वही सवाल का ये तीसरा पार्ट है। तो देखिए, यही टेबल है जो पहले भी दिया हुआ था, वही टेबल है, लेकिन सवाल में अब फिर से एक ट्विस्ट है। तो जरा हम मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। मुखिया जो एक कारीगर है, किसी काम को करने के लिए भूड़ा से 5 दिन कम लेता है, ठीक है। तो जरा देख ले, भूड़ा 5 दिन में 20% काम करता है, तो 100% काम करने के लिए भूड़ा को देखो 20 को भी 5 से गुना किया 100 हो गया, और 5 दिन को भी 5 से गुना किया तो 25 दिन हुआ। तो भूड़ा को जिस काम को करने में 25 दिन लगता है, मतलब हम तो अभी जानते हैं कि 2400 ईंटा उठाना है, मुखिया को उससे 5 दिन कम लगता है, क्योंकि यह बोला हुआ है मुखिया को उसी काम को करने के लिए 5 दिन कम लगता है। तो मतलब 2400 ईंटा भूड़ा अकेले, ये मुखिया अकेले 20 दिन में उठा सकता है, तो हमने 2400 को 20 से भागा दे दिया, तो हमारे पास क्या आ गया कि मुखिया 120 ईंटा प्रतिदिन उठाता है, गोली भुवन से 60% ज्यादा कार्य कुशल है। अब एक दूसरा कैरेक्टर आया गोली, किससे ज्यादा कार्य कुशल है, भुवन से। तो देखिए, यहां पे दूसरे जगह पे किया, बड़ा लंबा, इसको बड़ा लंबा चौड़ा करके कह दिया, सिंपल है भाई, भूड़ा 96 ईंटा उठाता है, ये हमें मिला हुआ है, और बोला गया कि गोली जो है भुवन से 60% ज्यादा कार्यकुशल है। तो भुवन तो 60 ईंटा उठाता है, गोली अगर कार्यकुशल ज्यादा है तो ज्यादा ईंटा उठाएगा ना, तो उसके लिए हम 60% में सिंपल 1.6 से गुणा कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता यार। तो फिर आ जाता है कि गोली जो है 96 ईंटा प्रतिदिन उठाता है। अब देखो, कुल काम तो वही है, 2400 ईंटा उठाना है, गोली और मुखिया मिलके 5 दिन तक काम करता है। तो देखो, मुखिया कितना ईंटा उठाता था, 120 ईंटा प्रतिदिन, और गोली कितना उठा रहा है, 96 ईंटा, जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 216 ईंटा, 5 दिन तक काम किया है तो गुना 5, तो 1080 ईंटा उठाता है। तो बचा हुआ ईंटा कितना है, 1320 ईंटा। अब क्या बोलता है, बचे हुए शेष काम को अगर टीपू को संपूर्ण करना पड़े तो कितना ईंटा है भैया, 1320 ईंटा है, और जो है टोपी हर दिन, टीपू हर दिन क्या करता है, 150 ईंटा उठाता है, तो 1320 बटे 150, सुनना सुनना काट दिया, ठीक है ना। अब देखो, 15 से करते हैं, 15 अठे 120, 8 पूर्णांक हो गया, और 132 में से 120 अगर घटाएंगे तो 12 होगा, और 8 पूर्णांक 12 बटे 15 हुआ। अब अगर इसको काटते हैं तो सिंपल है, 3 चौके 12, ठीक है ना, और 3 पचे 15, तो मतलब क्या हो गया, 8 पूर्णांक 4 बटे 5 दिन किसको लगता है, टीपू को, इस काम को करने के लिए। और देखिए, यहां पे ये कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये इनमें से कोई नहीं, यही इसका आंसर होगा। तो मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं अपने को टीचर बताता हूं तो मेरा सबसे पहले काम है, जो चीज आपके लिए कंप्लेक्स हो उसे सहज सरल रूप में बताऊं। आशा करता हूं इस बात से आप भी मेरे से सहमत होंगे, और फिर से बोलता हूं कि अगर ये क्लास आपको सही लगा हुआ है और भविष्य में आप मेरे इस तरह के वीडियोस को पाना चाहते हैं तो कृपया बेल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर लाइक बनता है तो एक लाइक अवश्य दीजिए। चलिए, आज मुझे विदा दीजिए, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। वेलकम टू डीडी एकेडमी। First click the subscribe button. And also click the bell button. After you will get every video update notification.